मारिया, ये रिश्ते वाली बात में जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं तो दिल से चाहती थी कि तुम आपको वाकई में मालूम नहीं था। मुझे अंदाजा है कि इन सब बातों की वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। जाने अनजाने में तुम अश्विन को पसंद। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। भाई या अम्मी को मैंने नहीं कहा था कि बदले में आपको वहां छोड़ के। मैं समझ सकती हूँ आला, तो फिर अपने भाई को भी समझा दीजिएगा कि मेरे लिए मेरी ईगो, मेरी अना, मेरी इज्जत, नफ्स सबसे अहम है और मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की जिंदगी में धोस जमाने की। वैसे आप मुझे एक बात बताएं कि आपके लिए किसी का प्रपोजल आए तो क्या आप उसके बारे में नहीं सोचेंगी? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उस चीज के लिए ताने देने लग जाए। अश्विन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ उसने बहुत सुनाया है मुझे, और वो बातें अगर अम्मी या भाई में से कोई सुन लेता ना तो आप इस घर में नहीं आ सकती थी। बता दीजिएगा अपने भाई को। क्या जरूरत थी अश्विन को ऐसे डायरेक्टली मारिया से बात करने की? मेरे रिश्ते की नौयत नहीं जानता वो। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि अश्विन भाई ने ऐसी कोई भी बात कही होगी। और दूसरी बात ये कि अगर अश्विन भाई ने कुछ ऐसा कह भी दिया है तो क्या गलत कहा है? आखिरकार वो लोग अपनी धौंस जमा ही रहे थे ना। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? अश्विन से कहो मारिया से सॉरी कहे, बस। आप ही अश्विन भाई हमारे भाई है, कोई मुलाजिम नहीं है जो बात बेबाद आपके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ते फिरे। और वैसे भी मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता अगर उन्होंने अपनी पसंद को डिफेंड किया, ये तो उनका राइट है। और मेरे कोई राइट्स नहीं है? एक ही है इस घर में मेरी खैर ख्वाह, और उसे भी अश्विन। आप ही मेरी बात सुन, अगर वाकई वो आपकी खैर ख्वाह है तो आप अश्विन भाई की तरफ से उसे माफ करें। आई एम श्योर वो आपकी बात समझे। और आप भी जितना जल्दी हो सके मिन्हा के बारे में आप अपनी फैमिली को बता दें। आखिर को वो अदील भाई की कजिन है, कहीं नाराज होने का एक और मौका ना मिल जाए हम लोग। क्या मेरा अदील की कजन है? उनसे बाद में बात करती। आप ही ये दिल तन्हा।